रहे हैं एसपीएन नई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। दूसरे चरण की शुरुआत है कल से, यानी कि 18 अप्रैल को दूसरा चरण होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे चरण से पहले देखा जा रहा है कि नेता जो है काफी ही रैलियां कर रहे हैं और रैली के दौरान जहां पे जन संबोधना हो रही है और ऐसे में यहां पर दूसरी विपक्षी पार्टी को जमके निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में रैली को यहां पर संबोधन करते देखे गए। जी हां, जहां पर मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमके निशाना साधा और यहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। आप सभी जानते हैं कि कल का जो मौसम था वो काफी ही खराब रहा, तेज आंधी के चलते हुए तमाम नुकसान भी हुए। यहां पर नरेंद्र मोदी उस बात का भी जिक्र करते देखे गए और ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई कल जिस तरह से वहां पे चरण है, उन्हें उम्मीद है कि भाई महाराष्ट्र की जो जनता है वो उन्हें ही मौका देगी और ऐसे में विपक्षी दलों पर वो जम के यहाँ पर निशाना साधते देखे। क्या कुछ कहा है मोदी ने, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई, किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं, महायुति के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज चुनाव की बात करने से पहले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 50 साल महाराष्ट्र के लिए खपा दिए, उनके 75 साल पर विजयसी मोहते दादा पाटिल जी का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है तो उनके इस तपस्या को, उनके परिश्रम को हर किसी ने सम्मान करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है क्या दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। उत्तम स्वास्थ्य तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य के साथ, दीर्घायु के साथ वे हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, महाराष्ट्र की और देश की सेवा करते रहें, ये मैं हम सब की तरफ से आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा,
उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा। उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। साथियों, एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती बहुत अच्छी तरह जानती है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप अपने गांव में भी डीला डाला अगर पुलिस वाला आ जाता है तो आप पसंद करते हैं क्या? आपको दम वाला पुलिस वाला लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है तो आप बच्चों को वहां पढ़ाना पसंद करते हैं क्या? अच्छा टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई ये आपने देखा है। अब आपको फिर से ये तय करना है